अच्छा हूँ, पेट्रोल भरा लेता हूँ। और अपना ट्राईपोड से मुझे डर लग रहा था कि भाई गिर गया तो ऐसा, और चलती गाड़ी में गिरा तो भाई तकलीफ, मेरा नुकसान हो जाएगा। रीज़न कि ये बैग देखो, मैं ऐसे ही गोवा गया था, अगर आप लोगों को पता हो। जैसे मैंने बताया था ट्रैफिक लग जाती है, तो अभी सुबह सुबह भी यहाँ पे ट्रैफिक है। 8:14 हुई है, वो भी फ्री में, पैसे नहीं लेता उससे। मैं सब कुछ अपना है, कैमरा, माइक, सब कुछ एज अ फ्रेंड की नाते उसको हेल्प कर देता हूँ कि भाई तेरी चैनल ग्रोथ हो, तुझे इंटरव्यू भी मिल जाए। फंड मेरे लिए नहीं है, बट ये कुछ 4-5 टी शर्ट निकाले हुए और लेट्स सी यार, इसमें से कुछ पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन सा खरीद रहा हूँ या नहीं खरीद रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बजे है 7:41। मैं उठ चुका था 7 बजे। यहाँ पे मेरे फ्रेंड रहते हैं, तो मैं यहाँ पे आया हुआ था क्योंकि कल वाली वीडियो ना देखी तो देख लो, राहिल के साथ फ़ोटोशूट वीडियो शूट था अपने वर्कआउट का, लाइफस्टाइल स्टूडियो की तरफ से, तो उसका काम कर रहे थे। फिर रात हो गई, वीडियो तो मैंने जल्दी एंड कर दी थी, बट यहाँ पे बाद में मैं आया, आराम किया, सो गया। अभी सुबह उठ के जा रहा हूँ क्योंकि उर्मी को स्कूल में ड्रॉप करना है, उसकी एग्ज़ाम है ना, इसके लिए। पीछे यहाँ पे लगेज बांधा हुआ है, यहाँ पे अपना कैमरा गियर, और चलते हैं। यहाँ पे ज़ीरो मार देता हूँ, एवरीडे की कितने किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं वो मैं नोट करते रहता हूँ ना। यू टर्न मारना है हमें। चलो बाय, आता हूँ मैं। बाय नहीं बोलते ना, आता हूँ मैं बोलते। तो सीधा चलते पहले पेट्रोल पंप की तरफ, क्योंकि जो अपनी पेट्रोल की टंकी का इंडिकेटर है वहाँ पे 2 डंडी बता रहे हैं, तो पेट्रोल की टंकी फुल करते हैं, घर की तरफ चलते हैं। और उर्मा को स्कूल में ड्रॉप करना है, जैसे बताया उसकी एग्ज़ाम है, तो उसका फ़ोन आ गया, अरे आप निकले क्या? मैं बोला नहीं निकला, क्यों लेने आ रही है क्या? बोलते इतनी दूर में कैसे लेने आऊँ, और मुझे तो कार बाइक भी चलाने नहीं आती। बोला ठीक है आ रहा हूँ मैं, रात को मैं इधर ही रह गया बिकॉज काफ़ी थक गया था, क्योंकि वीडियो शूट फोटो शूट करना था। देन हम लोग भांडुप गए थे, वापस आए तो वहाँ पे ही ये टाइम लग गया। देन फिर मैं घर पे आता तो रात को और ट्रैफिक, डबल ट्रैफिक रहती है, तो ट्रैफिक में ना घर पे पहुँचने को 2 घंटे लग जाते हैं। तो मैं बोला नहीं यार, यहाँ पे मेरे दोस्त का घर है, यहाँ ही स्टे कर लेता हूँ, आराम करूँगा। और जैसे अभी सुबह सुबह निकल पड़ा हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगा रास्ता खाली है, बट यार एटलीस्ट 25% ही रश है ना, 75% तो नहीं है, तो पहुँच जाऊँगा आराम से घर पे। पेट्रोल पंप पहुँचा हूँ, पेट्रोल भरा लेता हूँ। और अपना ट्राईपोड से मुझे डर लग रहा था कि भाई गिर गया तो ऐसा, और चलती गाड़ी में गिरा तो भाई तकलीफ, मेरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वेलक्रो पे रखा था ना। तो मैंने पेट्रोल पंप पे आके सीधा रख देता हूँ। पर ये बैग, लोग बोलते हैं भाई सैडल बैग लो, ये लो, मैं नहीं लेता। रीज़न कि ये बैग देखो, मैं ऐसे ही गोवा गया था, अगर आप लोगों को पता हो, नहीं पता तो व्लॉग देखो तो पता चल जाए। 7 दिन गोवा गया था, ऐसे ही गया था बैग लेके, तो इसलिए मैं सैडल बैग का स्पेशली 4,500 रुपया खर्चा नहीं करता। अगर मैं करूँगा तो करने में कोई तकलीफ नहीं है, बट क्यों करने का ना ज़बरदस्ती जब ज़रूरत नहीं है तो। इस पर खाली एक रेन कवर में डाल देता हूँ, दैट्स इट। 220 रुपये का डालना, 220 220। थाना पहुँच चुका हूँ, और थाने का रास्ता देखो, जैसे मैंने बताया था खाली 25% ही गाड़ियाँ रास्ते पे है। अगर ये मैं कल रात को आता था ना, तो यहाँ से ट्रैफिक हो जाती फुल ऑन, फिर यहाँ से मुझे मेरे घर तक पहुँचने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते, 2 ही घंटे लग जाते, 1.5 तो नहीं, क्योंकि ट्रैफिक में खड़े रहने को बहुत घंटा लगता है। और ऐसे स्मूथ रास्ता मिल रहा है तो मैं 40 मिनट में पहुँच जाऊँगा या 45 मिनट्स, चलो ना 1 घंटा पकड़ लो, फिर भी 1 घंटे में तो पहुँच जाऊँगा ट्रैफिक में यार, और 1 घंटा कहाँ रुकता। इसके लिए मैं मेरे दोस्त के वहाँ ही रुक गया। अरे एक रिक्शा बंद गिरती है,
ट्रैफिक हो जाती है, जैसे मैंने बताया था ट्रैफिक लग जाती है। तो अभी सुबह सुबह भी यहाँ पे ट्रैफिक है, 8:14 हुई है। तो रात को सोचो कितनी ट्रैफिक होती है, जैसे मैंने बताया 2 घंटे लग जाते हैं अभी ये क्रॉस करने को। मुझे उम्मीदें थी कि सुबह ऐसा मिलेगा, बट सुबह भी ऐसी ट्रैफिक मिल रही है। तो गोल गोल घुमा के अभी गाड़ी लेके जानी पड़ रही है, यहाँ से लेके जा रहा हूँ। रास्ते ख़राब है, ऑफ रोडिंग बोल सकते हैं इसको। आओ आओ, एक तो सुबह सुबह खाली पेट है, कॉफी भी आता था, पेट एकदम क्लियर है। तो धाड़ धाड़ ऑफ रोडिंग में गाड़ी अपट रही है ना, तो पेट में कुछ हो रहा है। अच्छा वहाँ से बाहर ही निकलना है तो यहाँ ही चले जाओ ना। देखो ना कितनी ट्रैफिक है, देखो आगे पीछे। और आपका तो और फ्रस्ट हो जाता है, क्योंकि सुबह से लेके रात तक काम किया था, फिर खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता, बाहर जाते तो फिर घर पे जाना रहता, तो बोलते ना बाइक पे ऐसे बैठे बैठे पीठ में थोड़ा तकलीफ़ होता है। कि जो वीडियो शूट कर रहा था उसमें भी तो कमर दुखती है ना, ये राहुल का वीडियो शूट मैं ही करता हूँ, वो भी फ्री में, पैसे नहीं लेता उससे मैं, सब कुछ अपना है, कैमरा माइक सब कुछ। एज अ फ्रेंड के नाते उसको हेल्प कर देता हूँ कि भाई तेरी चैनल ग्रोथ हो, तुझे इंटरव्यू भी मिल जाए, कर भाई। ये गाड़ी वाले ने यहाँ घुसा दिया है, बाइक वाला तो आराम से चले जाता, क्या बोलने का ये लोग को। मैं घर पे पहुँच गया था, टाइम भी नहीं मिला, थोड़ा लेट ही हो गया क्योंकि ट्रैफिक थी। और फिर मेरे को अभी स्कूल में ड्रॉप कर दिया है, तो अभी ट्राई किया एग्जाम नहीं होता। स्मृति क्या बोला? अरे हाँ, अभी 5-10 मिनट में क्या होगा, अभी थोड़ी देर में तो एग्जाम है। ठीक है चलो, कितने बजे लेने आना है? हाँ ठीक है, उस हिसाब से आता हूँ, चल मैं जा रहा हूँ घर, बाय। डी कैथलन में हूँ, कपड़े भी डी कैथलन के पहन के आया हूँ। यहाँ पे देखो लोगो है, तो जिपर चाहिए था अपना पॉलिस्टर का, बट लड़कों के लिए नहीं, लड़की के लिए बहुत सारे, ग्रिप वाले भी है, विदाउट ग्रिप वाले भी है, हैंड में जो रहता है वो भी है, उन्होंने मेरे लिए नहीं है। बट ये कुछ 4-5 टी शर्ट निकाले हुए और लेट्स सी यार, इसमें से कुछ पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं ट्राई कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन सा खरीद रहा हूँ या नहीं खरीद रहा हूँ। ऑलमोस्ट तो कुछ पसंद नहीं आ रहा, फिर भी मेरा पहनने के बाद क्या होता पसंद आ जाए तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये देखो 5 नंबर दिया है, इट मीन्स कि मैं 5 टी शर्ट या जो भी है ये मटे लेके आया हूँ साथ में क्लोथ। ये वाली लेने की सोच रहा हूँ, मतलब बाइसेप उस टाइप से मारने के हिसाब से, और फोटो शूट और वीडियो शूट, लेट्स सी कैसा लग रहा है बताऊँ। ग्रीन वाला देखा, उसके बाद ये ब्लैक वाला, तो ये भी बाइसेप ट्राइसेप से मार सकते हैं। तो डिसाइड करेंगे कि हुडी वाला ले या ये वाला ले। हुडी वाले में कलर अच्छा है, ग्रीन कलर है जो अच्छा लग रहा था, ऑलिव ग्रीन बोलते ना, ऑलिव ग्रीन, ये भी अच्छा लग रहा है। देखो ना, बताओ कमेंट में कौन सा लेना चाहिए, ये ऑलिव ग्रीन कौन सा। एक ब्लैक टी शर्ट बहुत टाइम से लेने की थी, बट मन नहीं आ रहा है क्योंकि स्लीवलेस पहनने के बाद ऐसा लग रहा है स्लीवलेस लूँ, बट ये नहीं लूँ क्योंकि देखो ना ये ब्लू में, रेड में, ऐसे बहुत सारे, और ब्लैक मेरे पास बहुत है। ठीक है लेट्स सी, लास्ट में डिसाइड करते हैं। बट ये भी एक टी शर्ट में ट्राई कर रहा हूँ, फुल ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ऐसा लगा कोच हूँ या ट्रेनर हूँ कहीं का। डी कैथलन में यही मटेरियल में जिपर लेने आया था और हुडी हो, तो बोलते ना कि जिम में जा रहा हूँ या बाइक चला रहा हूँ या रेनिंग सीजन रहेगा या स्विमिंग पूल जा रहा हूँ तो ये पहन सकूँ, बट इसमें ये कॉलर नेक वाला टी शर्ट है, जिपर नहीं, जिपर चाहिए और यहाँ पे ग्रिप चाहिए, तो ये ग्रिप भी नहीं है। तो और लेडीज़ में सब कुछ है यार, डी कैथलन वाले भाई साहब अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ हमारे लड़के लोग के लिए भी कुछ बनाओ। हर कोई पहनते कि नहीं पहनते मुझे नहीं पता, बट मैं पहनता हूँ, मुझे चाहिए, वरना फिर क्या है महंगी ब्रांड में जाना पड़ता है जैसे पूमा नाइकी में, और वहाँ पे पैसे ज़्यादा चले जाते हैं। आपकी क्या है ये 1000 रुपये के रेंज में आ जाती है तो परवड़ जाती है, रिजनेबल है मतलब प्राइस। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई देख रहा है तो भाई ये वीडियो शेयर करो डी कैथलन वाले ऑनर तक, तो क्या पता लड़की लोग के लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े आए। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, बट जो भी बोलो मैं कैमरा ऑन करना भूल गया और बड़बड़ करते रहा, शॉर्ट में फटफट बता देता हूँ। डी कैथलन जाना है एंड वहाँ पे कपड़े
देखने हैं तो वो वाला वीडियो देख लो। तो आपने एंटी कैथरीन वाला वीडियो देखा, उसके बाद अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। शाम को 6 बजे मनीष भाई के साथ मीटिंग में जाना है। मनीष भाई पता है ना जो मेरा खर्चा करवाते, मनीष भाई वीडियो देखिए तो बोले अरे यार मेरा नाम बदनाम क्यों कर रहे हैं। बदनाम नहीं कर रहे हैं, अच्छे कपड़े दिलाए थे सच बताता हूँ। और आज मैं उनके साथ मीटिंग में जाऊँगा तो उनकी मनपसंद का कपड़ा पहन के जाऊँगा। और बहुत कुछ बोला था वीडियो में, बट बोलते ना एक ही चीज़ बार बार रिपीट करने में मज़ा नहीं आती, क्योंकि आई एम नॉट अ एक्टर, आई एम अ व्लॉगर। तो जेन्यूनली जो बोलता हूँ वही सही रहता है। तो जो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है वो जाने दो, अभी छोड़ो, यहाँ से हम लोग व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मरीज भाई को शाम को जैसे मिलने का प्लान था, 6:30 में उनको लेने आया हूँ, फिर यहाँ से कहीं जाना है जो मुझे भी एग्जिट नहीं मालूम। खाली उन्होंने बोला मीटिंग है तो चलना मेरे साथ में, बोला ओके। बोलते ना कभी कभार किसी पे ट्रस्ट कर लेते तो जो बोलते हैं उस पर हाँ में हाँ मिलाते वैसा है। तो मनीष भाई ने बोला जाना है तो मैंने बोला जाना है। तभी मनीष भाई का घर आ चुका है, मैं उनको पिकअप करता हूँ और मिलते आऊँ आगे। रोड से गुजर रहे मनीष भाई को प्यास लगी, गन्ने का जूस पी रहे, कॉफ़ी बोल रहे थे पीने के लिए। मैं बोला अच्छी चीज़ पियो, शीरीज के साथ हो, गन्ने का जूस पियो। तो मेरी जिद पे अभी गन्ने का जूस पी रहे हैं। आप ही कमेंट में बताओ कॉफ़ी पीना अच्छा है या गन्ने का जूस। और हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल में गर्मी लगती है समर में, तो गन्ने का जूस ही पीना चाहिए ना। कमेंट में बताओ मनीष भाई को कि गन्ने का जूस पियो।